गुड इवनिंग मैम। गुड आत्मा नमस्ते जी। इवनिंग। नमस्ते। आत्मा नमस्ते आत्मा मैम। आत्मा नमस्ते मैम। नमस्ते जी। आत्मा कैसे नमस्ते आप मैम। लोग? आत्मा आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। वेरी गुड। आत्मा आत्मा नमस्ते मैम। नमस्ते। वेरी गुड। कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ, इस तरह अजीब जी भी आ रहे। जी मैम। मैम जब मैंने लास्ट टाइम कोई छोड़ा थोड़ा तब भी बीमार था और आज भी टाइफाइड में ही हूँ। मैंने बात, आप है ना, ज्वाइन करते रहो, सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कर आप लिया नहीं करो ज्वाइन। ना, इसलिए बीमार पड़ रहे हो। हाँ ज्वाइन कर लिया मैंने। है ना? चलिए, विल स्टार्ट इन अ मिनट। ठीक है, जब तक लेट मोर पीपल ज्वाइन। ओके, तो जब तक हमारा जो रिचुअल है, हम पहले वो कर लेते हैं। ठीक है, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मैं भी वायरल से निकली हूँ, थोड़ा सा गले का इश्यू चल रहा है, पर ठीक है, डिस्कम्फर्ट तो आते रहते हैं, राइट? आई एम सो सॉरी फॉर दिस, बट मेरा ट्राइंग। हाँ, मैम नमस्ते। जी नमस्ते। आपका आपका फीवर अच्छा हो गया ना? आवाज नहीं आ रही। क्योंकि मैं बोल नहीं रही हूं। बता दो। ओके, सब रेडी हैं? ओके, हाँ जी। बेटा लाइट लाइट बंद कर दो, उसको भगा दो। किसी के यहाँ बैकग्राउंड नॉइज है तो प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना? चलिए, हम सबसे पहले हमारा जो रिचुअल है, डेली रिचुअल्स, कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले का, विल स्टार्ट विद इट। सबको स्क्रीन दिख रहा है?
सो हम स्टार्ट करेंगे प्रेयर से। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षः शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओ आप सबको मेरी नमस्ते। थोड़ा सा गले में अभी भी खराश है तो बीच बीच में ब्रेक लेना पड़ सकता है मुझे आज, बट इतना चलता है राइट। चल ओके तो हम आज थोड़ा सा हुंकारा थलीम के बारे में जानने आए हैं, है ना। आप में से काफी लोगों को तो मैं ऑलरेडी जानती हूँ, मेरे कोर्सेज में भी हैं, कुछ मुझे नए चेहरे दिख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक हाँ यू फॉर ज्वाइनिंग, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो राधे चलिए, राधे राधे हाँ जी, राधे राधे। सब लोग सेटल हो जाइए एक बार, ठीक है। अपने मोबाइल को स्टिल रख लीजिए, क्योंकि आज हम दो ऐसी महादेवियों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे जो बहुत पावरफुल हैं, हुंकारा और हलीम, जिनके बीज मंत्रास हैं, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा है, द स्क्रीन इज बिग इनफ। अरे आत्मा वाह दोनों, नमस्ते मैम, आत्मा आत्मा नमस्ते नमस्ते। दोनों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बहुत मैम, आपको देखने, ऐसा लग रहा है बहुत सालों बाद देखा, अच्छे लग रहे मैम हो। आपको देखने के लिए आई हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, माय ऑनर। लेकिन आप देख ही नहीं रही है। हाँ हाँ मैंने अपना वीडियो बंद किया है, मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए, आप लोगों को सबको स्क्रीन पे कुछ फोटोज दिख रहे होंगे, पिक्चर्स दिख रहे होंगे, राइट? दस महाविद्याओं के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं, काली माता के बारे में, बगलामुखी माता के बारे में, भैरवी माता के बारे में, है ना, त्रिपुरा सुंदरी के बारे में, कमला, जिनको, जो लक्ष्मी जी का रूप है, मतलब लक्ष्मी जी का एक और नाम कमला भी है। तो ये सब देवियों के बारे में तो आप लोग लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुना ही होगा, राइट? हुंकारा विद हलीम है वो, इन्हीं दस महादेवियों में से दो देवियों की सिद्धि है। मैं सिद्धि तो नहीं बोलूंगी उसको, लेकिन हाँ उनके जो प्रोसेस है, उनके जो बीज मंत्रास है, उनको यूज करके हीलिंग्स की जाती है, ठीक है। सो अब दस महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, मैंने स्क्रीन पे तो दिया है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। काली माता, तारा माता, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, चिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगला मुखी माता, मातंगी एंड कमला।
इनमें से हम काली माता और बगलामुखी माता के बीज मंत्रों के द्वारा हीलिंग्स करते हैं हुंकारा विथली। क्लियर? जो फर्स्ट पिक्चर है वो काली माता की है, ठीक है, और सेकेंड लाइन में जो थर्ड पिक्चर है वो बगलामुखी माता की है। मैं आपको स्क्रीन बड़ा करके भी इनके बारे में बताऊंगी अभी। काली माता को तो सभी ने देखा है, पूजा है, कुछ लोग डरते भी हैं, कुछ लोग उनकी आराधना करते हैं, उनके कुछ की तो ये इष्ट देवी भी हैं, राइट? तो काली माता जो है वो एक बहुत ही पावरफुल देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। काल इज टाइम स्पेस, काल वक्त, चक्र जिसको कहते हैं ना काल चक्र, तो वो काल जो है वो वहीं से नाम पड़ा है, काली माता, जो बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, जो कहीं जिनका शुरुआत नहीं है, जहां जिनका कहीं अंत नहीं है, जो है वो वही है, उसको काली माँ कहते हैं। और माँ कैसी होती है? माँ अपने अंदर सब कुछ समा लेती है। हम जब आगे कोर्स में डिटेलिंग करेंगे तब आपको काली माता की डिटेलिंग, जब मैं आपको बताऊंगी एक एक चीज उनके बारे में, तो एक अलग ही लेवल का आपको एक एनलाइटमेंट मिलता है और एक अलग ही लेवल पे आप चले जाते हैं। क्योंकि काली माता का हर एक, ये जो पिक्चर है, मुंड माला है, जो स्कर्ट उन्होंने हाथों की पहनी है, उनके दांत, जीभ, आंखें, स्किन का कलर, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमको समझ आता है कि काली माता का की जो पूजा की जाती है उसकी डेप्थ क्या है और उनके बीज मंत्रा कितने शक्तिशाली हैं। और उन बीज मंत्रा को लेकर कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं और जब हम वो यूज करते हैं तो बहुत इफेक्टिव हमारी हीलिंग्स होती, ठीक है? अच्छा सॉरी अगेन। बगलामुखी माता, बगलामुखी माता जो है वो सिद्धिदात्री भी कही जाती हैं, और कहा जाता है कि जो तांत्रिक होते हैं वो बगलामुखी माता की ही सिद्धियां करते हैं वो शक्ति पाने के लिए। बगलामुखी माता पीताम्बरी माँ भी कही जाती हैं, ये जनरली पीले वस्त्रों में दिखती हैं, इनका जो वाहन है वो हंस है, सफेद बगुला जिसको कहते हैं, और इसीलिए वहीं से उनका नाम बगलामुखी माता पड़ा, ठीक है? ये भी आपको सारी आपकी बुराइयों से दूर करती हैं, जिस तरह से काली माता आपको काल चक्र से बाहर निकालती हैं, उसी तरह से बगलामुखी माता हमारी इस प्रेजेंट डे में जो हम जी रहे हैं हमारे सराउंडिंग्स में से, उन बुराइयों में से हमें बाहर निकालती और हमें एक ऐसा पाथ देती हैं जहां पर हम चल के अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं और उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जहां की सब लोग कामना करते हैं, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं अल्टीमेटली, ठीक है? तो आई होप सो यहां तक तो क्लियर है सबको। एंड इसमें कुछ अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको फिर आगे थोड़ा सा और डिटेलिंग दूंगी इसके बारे में। कुछ किसी के मन में क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछिएगा, ठीक है? अब एक ऐसे शख्स के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, डॉक्टर एस के सैनी, जिन्होंने हमें हुंकारा विद हलीम की पद्धति सिखाई है, जिन्होंने लामा फेरा भी बनाया है। देखिए, लामा फेरा, हुंकारा विद हलीम, शाल्वे, ग्रैंड मास्टरशिप, योग माया, ये सारे सिंबॉलिक हीलिंग्स हैं, जैसे रेकी भी है। इनमें होता क्या है, बेसिकली जो सिंबल्स होते हैं उनको इन्वोक करके, ठीक है, उनको सिद्ध करके, और हम हीलिंग्स करते हैं एक प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसको यूज करके इन सिंबल्स को जब हम डालते हैं तो हम वो अचीव करते हैं जिसका इंटेंशन हम हीलिंग से पहले डालते हैं, ठीक है? तो डॉक्टर सैनी जी जो हैं उन्होंने बहुत तपस्या करी है, 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, बहुत सारी टेक्निक्स सीखी हैं अलग अलग जगह जाकर, वो तिब्बत में भी रहे हैं, लामास के साथ रहे हैं, नेपाल में रहे हैं, हैदराबाद, बैंगलोर और दिल्ली में उनका मेन गढ़ था, गुजरात में भी रहे हैं,
हुंकारा विद अरे हलीम जो है, प्लीज म्यूट योर सेल्फ अगर आपके यहाँ बैकग्राउंड नॉइज है तो, इट्स अ रिक्वेस्ट। यस ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कर। तो डॉक्टर सैनी जी रेनाउंस कर चुके हैं वर्ल्ड को, और उसके बाद ही, जब उनके जाने के बाद, लामा फेरा और इस तरह की पद्धतियां उनकी जो बनाई हुई थी वो हम सब तक बहुत इजी वे में पहुंची हैं। तो इसको एक तरह से फोर्थ लेवल भी कहा जाता है, लामा फेरा, पूरी कंप्लीट मोडेलिटी का फोर्थ लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, हुंकारा विद हलीम एक्चुअल में है क्या? ये बहुत फास्ट मोडेलिटी है, टेक्निक्स हैं इसमें जिनके थ्रू हम काफी चीजें असेस कर सकते हैं। ये गॉडेस की जो एनर्जीज है, जैसे काली माता और बगलामुखी माता की जो डिवाइन एनर्जीज हैं, उनको इंटेंशन में डाल के, प्रेयर करके, उनके सिंबल्स जो बनाए हुए हैं उनको यूज करके यू कैन अचीव योर गोल्स। मैं अभी बेनिफिट्स भी बताऊंगी आप लोगों को, तो बहुत इजी हो जाएगा। इसकी सबसे खासियत यह है कि आप इनकी दोनों माताओं की जो एनर्जीज है उसको आप चैनल कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माता की जो एनर्जी होती है, जो माँ की एनर्जी होती है, उसको अगर आप अपने अंदर लेते हैं तो आप खुद सोचिए कि वो जो चैनलिंग हो रही है, जो आपकी एनर्जीज आपके अंदर आ रही है, वो कितनी पावरफुल होती है। और वो आप लेते हो, अपने आप को माध्यम बनाते हो और दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और अपनी भी कर रहे हो साथ साथ आप अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, राइट? इस जो एनर्जीज ये होती है, इनका बेसिकली क्या होता है कि आपने एनर्जी इन्वोक किया, आपने उसको सिंबल्स में जो बनाने हैं उसके बनाए, और फिर आपने उनकी एनर्जीज को सामने दिया, पेशेंट को, क्लाइंट को, या अपने आप को, किसी को भी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। उसके बाद ये एनर्जीज ट्रांसफॉर्म भी होती है, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो इंटेंशंस आप डाल रहे हैं उसमें कुछ शब्द ऐसे यूज किए जाते हैं जिससे अगर हम बाय चांस कहीं गलती भी कर जाएं इंटेंशन डालने में, या हम खुद उसमें इन्वॉल्व भी हो जाएं, तो भी उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो ट्रांसफॉर्म कर देती है एनर्जी जितनी उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ब्यूटिफुल, इजंट इट? ये हमें हमारे मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एस्पेक्ट्स को हील करने में बहुत काम आती है। ठीक है, हम क्या होता है बेसिकली, हम लोग मटीरियलिस्टिक चीजों में फंस के रह जाते हैं, है ना? बचपन से सिखाया जाता है पढ़ना है, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है, सोशली आपको इस तरह से अपग्रेड होना है, फिर आगे चल के आपको कमाना है, पैसे कमाने, करियर बनाना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं। ये सब चीजें हमारी मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स में आती हैं, जो हम सराउंडिंग्स में देखते हैं, जो हमने सीख के हम बड़े हुए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे रास्ते हैं आगे बढ़ने के, लेकिन हम इन्हीं रास्तों में खो जाते हैं, राइट? और जब हम इन रास्तों में खो जाते हैं तो ये रास्ते हमारे हमारे ऊपर हावी हो जाते और हमें क्लैरिटीज नहीं आती, और जब हमारी क्लैरिटीज ब्लर हो जाती हैं तो हमें आगे का पाथ दिखना बंद हो जाता है, वहीं हम सब फंस जाते। हम लोग जो हीलिंग्स में हैं, जो एनर्जी वर्क करना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअल अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ लाइट दिखती है। ये उलझे हुए पाथ जो हैं, जो ये ब्लर पाथ हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक होप की एक लाइट है, वो उसको पकड़ के आगे बढ़ के अपना रास्ता क्लियर कर, राइट? हम लोग सब यही काम कर रहे हैं। तो ये मोडेलिटीज जितनी भी होती हैं, जो भी हीलिंग मोडेलिटीज होती हैं, ये हमें उस रास्ते को क्लियर करने में काम आती है, उस पाथ को क्लियर करती हैं हमारे लिए, और इसीलिए ये बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है टोटली। क्लियर? तो चलिए हम थोड़े से बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। सबसे पहला, अचीविंग योर टारगेट्स। अब देखिएगा, आप जैसे जैसे इसके बेनिफिट्स को समझेंगे ना,
आप सोचेंगे तो अलग ही टाइप की मोडेलिटी, हम तो क्या सोच के आए थे और ये क्या निकली है। चलिए, आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, अपना फोकस और कंसंट्रेशन इससे बढ़ा सकते हैं, रिलेशनशिप में हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम, जो डिसकंफर्ट्स हैं आपको, जितनी भी डिजीजेस हैं, उन सबसे, उनके आने से पहले ही आप उनसे अपने आप को अलग कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लीगल मैटर्स सॉल्व कर सकते हैं, आपके जो दुश्मन हैं, जो आप कहते हैं ना कहीं कोई ना कोई नजर लगाता रहता है, हमारा काम नहीं हो रहा है, कुछ लीगली भी कुछ एनिमीज बन जाते हैं, बहुत सारे एनिमीज किसी भी तरह के हो सकते हैं, है ना, उन सबसे ये हमें अलग करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, आपके ऑरा को क्लीन करते हैं, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को क्लीन करती है, रिमूव करती है। एक पॉइंट छोड़ के मैं नेक्स्ट पे आऊंगी, पहले आपको थॉट्स की क्लैरिटी आती है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है, बिकॉज फोकस एंड कंसंट्रेशन भी, अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था इसका। जितने भी स्लो लर्नर्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। स्टूडेंट्स हैं, सीए हैं, जो लोग भी जिनके पास दिमाग का ज्यादा काम है, लॉयर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, इवन पॉलिटिशियंस, बिजनेस ओनर्स, क्योंकि बिजनेस में भी दिमाग तो चाहिए ना, राइट? तो उन सबके लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सबके लिए जिनको हाई मेंटल एबिलिटीज की जरूरत होती है, उन सबके लिए ये मोडेलिटीज बहुत हेल्पफुल है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को ही इम्प्रूव करती है। तो अगर मैं इसको सम अप करूं, तो बेसिकली ये क्या है, अगर हम प्रोफेशनली कर इसको देखते हैं, स्टूडेंट्स कवर करें हमने फोकस कंसंट्रेशन मेमोरी, ठीक है, फिर सेकेंडली हमने रिलेशनशिप्स को कवर अप किया, थर्डली हमने बिजनेस ओनर्स और जो काम करते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, मार्केटिंग सेल्स, इस चीज को कवर कर लिया, राइट? फिर एक होती है हेल्थ, सारी डिजीजेस से दूर रहना, तो हमने अपने एक मिड एज जो एक एरिया होता है उसको भी कवर किया। और जब ये सारी चीजों में प्रॉब्लम्स को हम अपनी सॉल्व करते हैं, इन सारे डिस्कम्फर्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास क्या रहता है, एक पाथ मिल जाता है आपको, वो है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना। ठीक है, तो आपके पाथ की क्लैरिटी आ गई कि आपको क्या करना है, और वही तो हमको चाहिए, राइट? अगर हमारा पाथ जो है वो हमें क्लियर है, तो उसको अचीव करना इजी है, तब हम रिसोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं, और कभी कभी तो अपने आप भी क्रिएट हो जाते हैं, अगर हमें क्लियर क्लैरिटी है कि हमें चाहिए क्या। ठीक है, तो हुंकारा विद हलीम बेसिकली आपको ओवरऑल अट्यून कर देती है एक ऐसे पाथ की तरफ जिस पर आप अभी पहुंच नहीं पाए हैं, या आप अचीव करना चाहते हैं लेकिन ड्यू टू सॉरी ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, सराउंडिंग्स, आपके एनवायरमेंट की वजह से, आपके बिलीव सिस्टम की वजह से, या आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं है लाइफ में, उन चीजों की वजह से जो परतें हैं के ऊपर एक आपके अंदर है, उन सबको हटा देती है, तो आपको बेसिकली क्लैरिटी आ जाती है, और सारी चीजों से आप ये दूर होके अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, एनलाइटन कर। और इसमें हमें हेल्प करती हैं काली माता और बकुलामुखी माता। क्लियर, दिस इज हुंकारा विद हलीम। अब हुंकारा विद हलीम में टोटल 3 सिंबल है, इसमें ज्यादा है ही नहीं, और मजे की बात यह है कि आपको इसमें लेटना नहीं है, कोई आपको किसी और गैजेट की जरूरत नहीं है, जो हमारे हम इंस्ट्रूमेंट्स जिनको कहते हैं, हम जिनको अपने यंत्र कहते हैं कि जिसके थ्रू आप हीलिंग करते हो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी के पास क्रिस्टल पेंसिल्स हैं या कुछ क्रिस्टल का है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ये सिर्फ 2 फिंगर्स से, जैसे आप रेकी करते हो, रेकी में यू डोंट नीड ऑल दोस थिंग्स, राइट? उसी तरह से हुंकारा विद हलीम में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप 2 उंगली से भी आप हीलिंग्स कर सकते हैं। इसमें डिस्टेंस हीलिंग्स होती हैं, इसमें कॉर्ड कटिंग होती है, ठीक है, एक मिनट में इसमें और थोड़ा कर सॉरी। हाँ जी,
इसमें बेसिकली क्या होता है, मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि मैं इसमें एक पॉइंट स्किप कर रही हूँ, मैं पहले उसके बारे में आपको बता देती हूँ। दैट इज आपकी ब्रह्म नाड़ी को ये एक्टिवेट करता है। ओके, अब बहुत लोगों को ब्रह्म नाड़ी के बारे में हो सकता है जानकारी हो और कुछ लोगों को हो सकता है ना भी हो, ठीक है। तो ब्रह्म नाड़ी होती क्या है, आप लोगों ने सात चक्रास के बारे में सुना है, ठीक है। सेवन चक्रा सबको पता है, नीचे होता है रूट, फिर आपका सेक्रल आता है, फिर आपका सोलर प्लेक्सिस आ गया, हार्ट आ गया, थ्रोट आ गया, थर्ड आई आ गया, और फिर क्राउन आ गया, ठीक है। अब क्या होता है, फिजिकल बॉडी में हम सिर्फ छह जो चक्रास है ना हमारे टिल थर्ड आई, इन्हीं को टैग करते हैं, और थर्ड आई से हम सोचते हैं कि थर्ड आई और क्राउन चक्रा मिलके फिर हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, एक ही जनरल नोशन है ना, ऐसा नहीं है। जो ये छह चक्रास हैं टिल थर्ड आई चक्रा, जिसको अजनबी कहा जाता है, ठीक है, यही हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं बस यहीं तक। लेकिन अगर हमें स्पिरिचुअली क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करना है या वहां तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें दो चक्रास की और जरूरत है, जो हमारे थर्ड आई और क्राउन चक्रा के बीच में होते हैं, उसी को हम ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। तो कोर्स के अंदर आपको इसके बारे में पूरा डिटेलिंग बताया जाएगा, और इसको कैसे एक्टिवेट करना है अट्यूनमेंट्स के थ्रू, हीलिंग्स के थ्रू। वो स्पिरिचुअली कनेक्शन आपकी जब हो जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली एनर्जीज आने लगती है, आपको पाथ क्लियर होने लगता है, ठीक है। तो ये कोर्स में आपको ये चीजें बताई जाएंगी, ओके। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ। अब आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है या आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो आप बोलें, मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ पानी पीने के। नो क्वेश्चंस, चलिए। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, मैं आपको एक प्रोसेस बता देती हूँ कि किस तरह से हमारा कोर्स जो है इसका आगे बढ़ेगा। ये टोटल हमारा 5 दिन का कोर्स होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको, जैसे अभी है, आज हमारा थर्सडे है, राइट, थर्सडे 5:30 बजे, ट्यूसडे 5:30 बजे, थर्सडे 5:30 बजे, हमारा वीक में 2 दिन क्लासेस होंगी, 2-2 घंटे की, 5:30 बजे से 7:30 तक, ओके। बेसिकली 7 बजे तक ही होती है क्योंकि कोर्स उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। इसके अंदर अट्यूनमेंट होंगी, हर एक को अट्यूनमेंट मिलती है, रिपीट किसी को नहीं मिलती है, अट्यूनमेंट सिर्फ एक ही बार दी जाती है, ठीक है। सिंबल्स के थ्रू आपको अट्यूनमेंट मिलेगी। इसके अंदर सिद्धिकरण होगा, जो जब आपको सिंबल्स बता दिए जाएंगे उसके बाद आपको ऑडियो दिया जाएगा सिद्धिकरण का, जो आपको मिनिमम 11 to 21 days, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति हो आप उस हिसाब से कीजिए। मैं मिनिमम रेकमेंड करती हूँ 11 दिन और फिर 21 दिन, जैसे आपको ठीक लगे। उसके बाद आई रिकमेंड कि आप सेल्फ हीलिंग्स कीजिए, खुद की हीलिंग्स कीजिए, ठीक है, अपने घर वालों की हीलिंग्स कीजिए। हाँ जी, मैं आ रही हूँ, सभी चीजें आपको डिटेल्स बताऊंगी, ओके। तो हाँ ठीक है जसपाल जी, इट्स ओके। आप इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ पहले, क्योंकि कुछ लोग शायद जाना चाह रहे हैं, उनके अपने कमिटमेंट्स हैं। सो ये जो कोर्स है वो 1579 है रुपीज का है, जो एग्जिस्टिंग एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए है 2158, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइमर्स। और इसके आपको पीडीएफ्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स सारे मिलेंगे आपको, अट्यूनमेंट मिलेगा, मेरी वॉइस में सिद्धिकरण भी मिलेगा आपको, सबको ऑडियो पर्सनली मिलेगा, और सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। सो दीज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू गिव यू। मैम बोले, एक चीज पूछनी, मैम इज इट 1579, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गुरुजी ज्ञान, बट आई हैव टू पे 21 समथिंग, 21 58, शायद ऐसा, हाँ आई हैव टू चेक। 2158 है। हाँ तो एक बार आप एकेडमी में बात कर लीजिए, फिर आपके पास नंबर होगा 100% कि आपको ऐसा क्यों पे करना है।
इफ यू आर अ हाँ स्टूडेंट देन यू हैव टू पे 1579। हाँ पहले तो ऐसे ही बोला था, फिर आफ्टर सम डेज उन्होंने मुझे बोला कि 2-1 ऐसा कुछ भेजना है, मैंने वो भी आप भेज एक दिया, बार बट बात द करनी थिंग चाहिए, ठीक है। ओके है ना, बेटर टू क्लियर इट आउट, राइट? कन्फ्यूजन नहीं मैंने होनी तीन चाहिए। चार कोर्सेस किए हैं ना आपके साथ, दो आई हाँ, आई थिंक। रिमेम्बर यू, आपने मेरे साथ किया है, सिग्नेचर एनालिसिस भी किया था आपने। हाँ, एक्सक्यूज मी मैम, मैंने 2685 पे किया, ओके, तो वो रिफंड हो जाएगा ना? आप एकेडमी में एक बार बात कर लीजिए, मैं एक बार बोल देती हूँ उनको कि कहीं कुछ ओके अगर कुछ कंफ्यूजन मैम, हुई है, और टू कंफ्यूजन सिक्स वो नहीं होगा, वो अगर अमाउंट होगा तो 2158 होगा या फिर नहीं वन मैम, फाइव सेवन नाइन ये दो ही नहीं अमाउंट मैम, चलते हैं हमारे यहाँ। ओके मैम, मैं कंफर्म कर लूंगी। हाँ प्लीज प्लीज, देखिए ठीक है, ओके, कंफ्यूजन से बेटर है बात करके क्लियर हाँ आउट थैंक करना, राइट यू है ना। मैम। पहला अमाउंट क्या बताई? 1579। हाँ अगर आप स्टूडेंट हैं एकेडमी के ऑलरेडी तो, हेलो, या एक कोर्स करें या दो कोर्स करें? आप जब पहली बार आते हो ना एकेडमी में फर्स्ट हाँ मैम। टाइम, तब आपको 2158 देना होगा, ठीक है। और अगर कितना आप मतलब सर? ऑलरेडी एक कोर्स कर चुके हो, एक भी अगर आपने कोर्स कर लिया है, तो उसके बाद जो भी कोर्सेज होंगे वो अकॉर्डिंगली 1579 का मिनिमम अमाउंट है 1500 एक उनके महीने का। वन हाँ फाइव सेवन नाइन मैम। मतलब आप समझ लो 1580 रुपये, अच्छा हाँ, ठीक है मैम, और फर्स्ट टाइम में जो है 2100, वो 2158 है, 2200, 2300 रुपये। 2100 कितना हो गया, 60 अप्रोक्स अंठावन उन्हें 60 में 2 रुपए कम, अंठावन 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 अट्ठावन फिफ्टी अट्ठावन एट अट्ठावन अंठावन है ना, इक्कीस सौ वेयर टू अट्ठावन फिफ्टी। हाँ हाँ मैम सात, एक्सक्यूज मी मैम, हिंदी हाँ जी में बोलो, भी बताइए मैडम, चार्ज मुझे इंग्लिश तो नहीं आता है, वो पॉइंट कोई वो मैं नहीं। नहीं समझ पा रही थी, उसकी हाँ कोई वजह से बात मैं नहीं, पूछी। थैंक हाँ यू। जी हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव आस्क्ड, आई हैव आल्सो पेड 2685। ठीक है, मैं एक बार पता कर लेती हूँ है ना, एक जस्ट अ सेकेंड। पकड़ो दोनों से, पकड़ो चक्कर, कहेगा बाद में लगाए हो तो चक्रा टाइमिंग से ऑनलाइन फ्री चक्रा चक्रा जगा। ना जगा तो सीखा बताइए रास्ते का है। सॉरी हाँ अच्छा, आप सबसे एक चीज बोलना चाह रही हूँ, मेरी एकेडमी में ही बात हो रही है, तो आप लोग जिस ग्रुप्स के थ्रू आए हैं उस ग्रुप में आप लोग सब हैं ना, आप लोग सभी हैं ना, वो ग्रुप में एनरोल किया होगा आप लोगों ने, लॉग इन किया होगा वहीं पर, तो आपको वहां पर यस सारी मैम, क्लैरिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। और एल्स 10 to 15 मिनट्स में अगर हो सकेगा तो एकेडमी में से कोई ना कोई आके हमारे ग्रुप में यहाँ पर इस चीज को क्लैरिफाई करेगा। इज इट ओके विथ एवरीवन? ओके, हाँ यस जब तक हम ओके, लोग अपना कोर्स के बारे में बात करते हैं, जब तक मैडम आएंगे तो हम फिर आगे इसको देख लेते हैं जो भी है, ठीक है। ओके थैंक यू मैम। हाँ जी बाय बाय मैडम, आत्मा नमस्कार। ठीक
इस कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ कंफ्यूजन्स हो जाती हैं, किस रीजन से है, हो सकता है मुझे ही नहीं पता हो अभी अपग्रेडेशन या कुछ हो गए हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैडम नमस्कार। हाँ जी पटनायक जी, नमस्कार जी। एक पहले आपको बोला था मैंने कि मैंने थोड़ा एबसेंट रह सकता हूँ फरवरी 6 से 22 तक। हाँ जी, क्या वापस बताएं? मैंने फरवरी 6 से फरवरी 22 तक एबसेंट रहूँगा, बाहर घूमना अच्छा जाना है। मैं आपको अच्छा पहले ही बताया था फॉर अटेंडमेंट, बाद का अटेंडमेंट करने के लिए ओके। तो प्लीज। आप ये कह रहे हैं कि अभी ये जो क्लास अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप 6 तारीख से 22 तारीख तक आप अवेलेबल नहीं रहोगे, तो उसका जो नहीं रहूंगा। अटेंडमेंट होगा वो आपका कैसे होगा? तो वो आपके आने के बाद हो जाएगा, ओके तो और जब कैंसिल हो सकता है, लेकिन नहीं होगा तो प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं, राइट? वो तो सब कर लूंगा, लेकिन अटेंडमेंट तो नहीं मिलेगा ना, वही वाला नहीं नहीं चीज। वो मिल जाएगा। कोर्स खत्म होने के 10 दिन के अंदर आप लोग, सबसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी भी रीजन से आप डिले भी होते हो तो आप 10 से 15 दिन के अंदर अटूनमेंट्स ले लीजिए, क्योंकि अटूनमेंट्स के बाद ही फिर आप लोगों को ये PDFs और सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। जस्ट एक्सक्यूज मी एवरीवन। हाँ ओके ओके हाँ जी, अकेडमी से क्लैरिटी आ गई है। तो जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी अकेडमी के, उनके लिए जो अमाउंट है वो है 2107, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2685 है। जो आप लोगों ने पे किया है वो सही अमाउंट पे किया है, और जो न ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2107 है। ओके अच्छा, थैंक यू। ओके सो एवरीवन इज क्लियर विद दिस नाउ? मैं काम करती हूँ, मैं आपको उस पे चैट पे ही डाल देती हूँ, तो दैट वुड बी इजी फॉर एवरीवन। रुकिएगा कहीं से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा सब लोग। न्यू स्टूडेंट्स एनर्जी एक्सेस, नहीं, 1570 कोई ना अमाउंट नहीं है, सॉरी मुझसे गलती हुई थी। न्यू स्टूडेंट्स के लिए 2685 है। अकेडमी के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए एनर्जी एक्सचेंज 2107 है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एंड आई एम सॉरी, मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया है, मैं अभी कर देती हूँ, जिस जिसको थोड़ा सा इश्यू आया होगा। आई विल जस्ट चेंज माय नेम। ओके सो ये आप लोगों को क्लियर है? क्लास जो है हमारी, आज क्या तारीख है? आज थर्सडे है, 8 से स्टार्ट है हमारी ये क्लास, ओंकारा विद हलीम।
एक मिनट, आप अनम्यूट करके बोलेंगे गौतम जी, मैंने आपका मैसेज मिस किया है बिकॉज मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा। मैं 8 फरवरी से क्लास शुरू होगा मैम, और एक क्लास कंटिन्यू रहेगा या फिर हाँ जी, अल्टरनेटिव रहेगा? कंटिन्यू नहीं, वीक में 2 दिन। देखिए एक्चुअली 5 दिन का मैं बोलती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ डाउट्स होते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एक क्लास हम एक्सटेंड कर लेते हैं। उसमें हम इतना नहीं सोचते कि हमको एक क्लास एक्स्ट्रा क्यों लेनी है। हाँ जय जी, जो एकेडमी के स्टूडेंट है, आपने अगर कोई भी एक भी कोर्स किया हुआ है एकेडमी का, तो आपको इस कोर्स के लिए 2107 देने। अगर आपने एक भी कोर्स नहीं किया है, आप पहली बार आए हैं, तो आपको 2685 देना है। इज इट क्लियर? कौन सी कंपनी? और मैम, इस एक कोर्स सवाल में क्या पूछ पढ़ाते हो सकते आप? हेलो एक मिनट, कौन पूछ रहे हैं? हेलो उर्मिला जैन। एक मिनट, सॉरी आई मिस्ड यू। हेलो मैम, क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ कि जैसे अभी मैंने फर्स्ट टाइम में आज ही मैंने ज्वाइन किया, क्या है मुझे कोई मालूम नहीं था, तो इसके लिए मुझे एक्सपीरियंस या नॉलेज के लिए, फिर उसके बाद आज फरवरी से ज्वाइनिंग है, अभी जो चल रहा है रेगुलर वीक में, कल भी है मैम इसका लेक्चर, तो वो मैं टेंशन नहीं जैसे है, अभी मैं आज आज बेसिकली एक ओपन वेबिनार किया है ताकि थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया जा सके कि जी वही बेसिकली मुझे मालूम। दोबारा भी तालीम है क्या, और ये किस तरह की मोडेलिटी है, ये सिंबॉलिक मोडेलिटी है, और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और आप किस तरह से दूसरों की हीलिंग्स कर सकते हो और अपनी भी कर सकते हो। जी थैंक और जो यू प्रॉपर मैम। जी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 8 तारीख से स्टार्ट होंगी। तो वीक में 2 दिन टाइमिंग हाँ जी, वीक यही में 2 दिन। रहेगा मैम, ये हाँ जी, टाइमिंग टाइमिंग यही यही मैडम। साढ़े मेरा एक पांच बजे सवाल है, 5:30 से हाँ 7 o'clock 7 तक, 7, 7:15 या 30 तक। बिल्कुल, मैडम। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं संगीता दत्त बोल रही हूँ। आपने 1 तारीख से बताया था स्टार्ट पहले। 1 तारीख आज है, आज ओपन हाँ वेबिनार किया है हमने, क्योंकि आप लोगों को, देखिए अगर मैं आज की क्लास भी इसमें ऐड कर दूंगी तो आपको वहां 4 ही क्लासेस मिलेंगी, है ना? तो आज एक तरह से ओके, सबको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये क्लास है किस लिए, ट्यूसडे एंड थर्सडे, कि एक्चुअल में हुंकारा भी तालीम है क्या, तो ये सबको पता होना चाहिए ना। फिर जिसको ज्वाइन जो जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनको ऑब्वियसली 8 तारीख से रेगुलर क्लासेस 5 डेज की होंगी, लेकिन वो ट्यूसडे थर्सडे होंगी, दैट इज वीक में 2 दिन। तो ये क्लास आप एक समझ लीजिए आपके लिए बोनस है, जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास। मैम ये लेक्चर छोड़ के चार्ज जो होगा 1 month का ही रहेगा ना मैडम? 1 महीने में मतलब क्लियर हो सकते हैं? 8 तारीख से जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ये लेक्चर, हाँ, तो वो 5 वीक में 2 दिन है, तो जी पांच सेक्शन ही रहे, 5 दिन में ही वो क्लियर हो जाएगा मैम, हाँ जी, हो जाएगा, मिलेंगे रिकॉर्ड हम। ट्यूसडे है को ना? क्लास नहीं है? ट्यूसडे को नहीं है, ये वाले ट्यूसडे को नहीं है, 6 तारीख नहीं, वो आ रही है ना। 8 तारीख से जो चालू रहेगा, तो हमारे मैसेज तो आते ही रहेंगे ना, जो अगर हम ज्वाइनिंग करते हैं तो मैसेज आएगा, तो उस हिसाब से हम लोग को मॉर्निंग में मैसेज आएगा, तो 5:30 बजे तक हम अपना क्लियर कर सकते हैं कि क्या लेक्चर है, कब होगा कब नहीं होगा। अगर कैंसिल भी होता तो मैसेज तो आप भेज दोगे, तो उसमें हमें पता चल ही देखिए, जाएगा ना। कैंसिल क्लासेस जब होती हैं, जब कोई बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे अभी नहीं नहीं पीछे वो थोड़ा बात सा नहीं, मुझे वायरल और बहुत ज्यादा खांसी का ठसके आ रहे थे, तो ऑब्वियसली मैं इतना बोल भी नहीं पाऊंगी, अभी भी है बीच में आ रहे हैं, आप लोग नोटिस कर ही रहे होंगे, बट फिर भी ये मैनेजेबल है ना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऐसे कुछ तबीयत खराब हो गई या कुछ इमरजेंसी आ गई, तो फिर मुझे मजबूरन क्लास को कैंसिल करना पड़ता है। एक्चुअली वो कैंसिल नहीं होती है, वो पोस्टपोन होती है ना। वो है ही तो सब पे हाँ, कुछ ना कुछ कभी कुछ इश्यू रिस्क आया तो, अदरवाइज मैं प्रेफर करती हूँ कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, क्योंकि एक के जैसे बाद एक के बाद एक क्लासेस जरूरी होती हैं लेनी। और आपको हमें ये जो एक हमारा एक वीक सिस्टम है वीक में दो जी दिन का, उसके पीछे भी आपको एक रीजन बताते हो। आज जी आपने कुछ किया, आपने आज कुछ सीखा, ठीक है, हाँ आपको चाहिए कुछ, एक चीज होती है ना, जब हम कोई चीज सीखते हैं पढ़ते हैं तो उसको अपने अंदर लेने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। आज यस मैंने आपको कुछ बताया, कल बताया, परसों बताया, आप एक तरह से कुछ कंफ्यूजन जैसी हो जाती है कि अरे आपने ये बताया था, अब इसके बाद क्या करना है।
तो हमने वीक में 2 दिन क्लासेस का, हमारा जो मेन पर्पस था वो यही है कि आप लोग आराम से सीखो जो भी सीख रहे हो और अच्छे से सीखो, है ना। और हमारे पास 1 महीना होता है तो आराम से आप पूछ सकते हैं, जब भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। ग्रुप हमारा बना होता है, आप ग्रुप के अंदर जब आप आते हो तो आप वहां क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेजेस दे सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं आप अटक रहे हो, कुछ है तो आप वहां डाल सकते हो ना। मैडम, मुझे अभी कोई मैं रैकिंग फीलिंग हुआ या कोई, मैं फर्स्ट टाइम में मैसेज में देखी, फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या रैकिंग हीलिंग है, क्या चक्रास, क्या मेडिटेशन। यूट्यूब पे मैं मेडिटेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग करती हूँ, उतना वो नॉलेज नहीं है मैडम मुझे। जैसे कोई बात नहीं, जूनियर के बच्चे जैसे होते हैं, उसको कुछ भी नहीं आता घर में चिल्लाने के सिवा, तो देखिए वही मैं मैं एक बात बताऊँ। बताऊं आपको गुंजन जी, एक चीज बताऊं, जब भी हम कहीं कुछ भी लर्न करने जाते हैं ना, तो हमें डिटॉक्स होके ही जाना चाहिए। सारी अपनी लर्निंग्स को अनलर्न कर दो, एक तरफ रख दो एक पोटली में, और बिल्कुल खाली होके जाओ, ताकि जी जो आपको सामने वाला बता रहा है वो आप अच्छे से अपने अंदर ले सको, जी ठीक है। तो उससे आपको ही फायदा होता है, आपको नई चीज अच्छे से सीखने को मिलती है, राइट। तो इट्स ऑलवेज गुड, थैंक यू। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है पहली बार दूसरी बार, क्योंकि डिटेलिंग इतनी हो जाती है आपको सच। और भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग ऑलरेडी कर भी चुके हैं, मैम मैं वही तो वो बोलने भी। वाली थी कि मैं कुछ बोल सकती हूँ हाँ बोलिए ना रितु जी, प्लीज बोलिए, मैम। मैं जब तक इनको मैं यही फोन नंबर बताने वाली स्टार्ट कर थी कि देती हूँ। मैम जो मैम से जुड़े हुए हैं 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, तो मैम जो करवाती हैं वो इतना अच्छे से करवाती है कि जब तक आप पूरी तरह से उसमें जा नहीं जाते, तो मैम पीछा नहीं, मतलब छोड़ती नहीं है मैम कि ऐसे ही करवा दिया और हो गया। बहुत अच्छे से करवाती है, मैं खुद हुंकारा कर चुकी हूँ मैम के साथ लामा फेरा, और ऑलरेडी हम मेडिटेशन करते हैं मैम के साथ, सिग्नेचर एनालिसिस किया है, और मैं हुंकारा कर रही हूँ लेकिन मैं फिर दोबारा आई वैसे ही, मतलब रिपीट के लिए कि मुझे करना है। तो मैम इतना अच्छे से सिखाती हैं कि आप भूल ही नहीं सकते, कुछ तो कुछ मैं होगा ज्यादा ही ना। पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे पढ़ाई नॉलेज कुछ भी हम सब नहीं आपके जैसे ही हैं हाउस है। वाइफ है, ऐसा कुछ नहीं वन मिनट, है। हाउस वाइफ शब्द अलाउड नहीं है। हाँ नेचुरल मैम, नेचुरल्स हैं, नेचुरल्स हैं हम लोग, ऐसे बोलना चाहिए। सारी फीमेल्स नर्चरर्स थैंक होती हैं, ठीक यू मैम, मुझे है। हाउस वाइफ नहीं सारी होते, नर्चरर्स होते हैं, और जितने मेल्स होते हैं वो प्रोवाइडर्स होते हैं, ओके। जानकारी। तो अच्छा अच्छा प्लीज अपने आप को ऐसे मत सोचिए कि आप लोग सिर्फ हाउस वाइफ हो, आप लोग नर्चरर्स नेचुरल, हो, आप ऐसी चीजें देते हो अपने घर वालों को, पोषण करते हो। उसका मतलब मैं मैडम मुझे बताइए, इसका हिंदी उच्चारण बताएंगे, मुझे इंग्लिश जरूर अभी नहीं आता है। जी वही बता रही हूँ मैडम, इट इज कॉल्ड, आप जी क्या करते हो, आप खाना बनाते हो, अच्छा पौष्टिक आहार बनाते हो, अपने सब चीजों का ध्यान रखते हो अपने घर वालों का, तो आप उनको बड़ा होने में, उनको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करते हो, राइट। तो आप एक नर्चरर हो, नर्चर मतलब धरती माँ कैसी होती है ना, हर चीज प्रोवाइड करती है उस तरह से, ठीक है। तो अपने आप को कभी भी ऐसे मत समझिए, सब लोग, सारी फीमेल्स नर्चरर्स होती हैं, सारे मेल्स प्रोवाइडर्स होते हैं, वो लाते हैं और फीमेल्स नर्चर करती हैं, अपने घर को बनाती हैं, जी लोगों को वो करती हैं, ठीक है ना। आई होप सो, आई एम नॉट नॉट ओवर स्टेपिंग, बट ये मेरा अपना सोच है। हाँ और बताइए एनीथिंग, किसी को कुछ और बात करनी है, कुछ पूछना है तो प्लीज, द फोरम इज ओपन फॉर यू। नमस्कार मैडम, हाँ जी आत्मा नमस्ते, कहें पर जी। मैं गुलशन बोल रहा हूँ, ये मेरे बेटे के नाम से मैंने अच्छा ज्वाइन किया अच्छा है। ओके ओके ये मैंने पहली बार ये मतलब कोर्स ज्वाइन किया है, मतलब आपका ये डेमो देख रहा था, लेकिन मैं लास्ट में पहुंचा हूँ, तो क्या इसकी वीडियो मुझे मिल जाएगी? हाँ जी, ये जो आज का है ये आपको YouTube पे मिलेगा, गुरुजी ज्ञान ऐप के ऊपर। ठीक है, 1 मिनट, लेट मी टाइप द नंबर, गलत नहीं होना चाहिए। 7982552301, राइट। तो ये मैंने नंबर्स भी डाल दिए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। आपको मैम रिकॉर्डिंग मिल इसकी जाएगी रिकॉर्डिंग, YouTube, गुरुजी ज्ञान ऐप है, मैं इस पे गुरुजी ज्ञान का भी डाल देती हूँ। आप YouTube पे जाएंगे, अब वहां पर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, गुरुजी ज्ञान, ठीक है।
ये कितने टाइम का मैम कोर्स है, कुछ थोड़ा सा मैम बताते चैनल का हैं। लिंक डालेंगे क्या? उसके लिए मुझे 1 मिनट दीजिए, क्योंकि वो मेरे को लेना पड़ेगा, रुकिए देखते। ओके थैंक यू मैम, मैडम कितने मैं टाइम का देख कोर्स है ये, जाती कितने हूँ। हाँ जी, टाइम का कोर्स है? देखिए बेसिकली तो ये जो अगर हम ओरिजिनली देखें तो ये कोर्स जो है वो 5 या 6 घंटे का है, अगर एक इन वन गो अगर आप करते हो। ओके एकेडमी में हम इसको 5 डेज में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 1.5 आवर्स के हिसाब से, 1.5 to 2 आवर्स। ओके, ताकि अच्छी तरीके से आप इसको सीख सके, इसको प्रैक्टिस कर सके, और इसमें काफी चीजें आपको ऐसी सीखने को मिलती हैं जो एक्चुअल में जिनको प्रैक्टिस की जरूरत है। सिर्फ सीख के हमें एक PDF ले लिया, मिल गया, उसको हमको सिर्फ अल्टीमेटली एक लैपटॉप में सेव करके रखना है या प्रिंट आउट निकाल के बैग में रखना है, ऐसे काम नहीं। उस चीज को आप जब तक अपने अंदर नहीं ले लेते हो, आप कुछ भी सीख रहे हो, आप उसको अच्छे से अपने अंदर लो, उन लर्निंग्स को आत्मसात करो, तब वो वर्क करती है, राइट? तो मेरा मेन पर्पस यही होता है सबका, कि इन चीजों को आप अच्छे से ले लो, एंजॉय करो। हीलिंग एनर्जीज है, हमारे चारों तरफ एनर्जीज हैं, है ना? 5 एनर्जीज तो सभी को पता है, मेन जो होती है। उसके अलावा हमारे ये 7 चक्रास होते हैं, हमारा ऑरा होता है, ये सब चीजें होती हैं। तो इतना सब कुछ ऑलरेडी हमारे पास है, अगर हम इनको थोड़ा सा एक चैनलाइज कर लें और इनको एक्टिवेट कर लें, तो उसके थ्रू हम कितनी चीजों को हील कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इन चीजों की हमको क्लैरिटी नहीं है, हमें उनके पाथ नहीं पता है, तो ये सब मोडेलिटीज जब हम करते हैं तो ये मोडेलिटीज करने के बाद हमको ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है, और हम अपने आप ही अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, जो डिस्कम्फर्ट्स हैं, चाहे फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप्स में हो, करियर में है, फोकस में है, बच्चों की एडिक्शंस होती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है। लेकिन अगर आप इस टाइप की मोडेलिटी सीखते हैं तो यू कैन कम आउट ऑफ इट एनी टाइम एनी वेयर। ये मोडेलिटी आप बैठ के कर सकते हैं, हीलिंग्स आपका जो क्लाइंट है उसको आप बिठा सकते हैं, इसमें डिस्टेंस हीलिंग भी मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से दे सकते हैं। आप यहाँ बैठे हैं दुनिया के किसी भी कोने में, आप किसी को भी हील कर सकते हो, ठीक है? तो ये सब चीजें इसके इसके अंदर आती हैं। आई होप आई एम क्लियर। हाँ जी बोलिए, सलीम शेख जी। ये मतलब ये हलीम भी तकीरा, ये कुछ नाम समझ में नहीं, इसका क्या मीनिंग किस तरह से? हाँ देखिए, हुंकारा जो है वो बीज मंत्र है काली अच्छा माता का, और ह्लीम जो अच्छा है वो बगलामुखी माता का बीज मंत्र है। ओके ओके ओके, तो वो उसको मतलब कोर्स के क्या रिलेटेड है वो हाँ जी, ये बीज कोर्स के? मंत्रास अच्छा हैं। जब हम बीज मंत्रास को अपने अंदर लेते हैं, उनको चैनलाइज करते हैं, और उसके थ्रू फिर जब हम हीलिंग्स देते हैं दूसरों को, तो वो बहुत ओके जल्दी ओके इफेक्ट ओके करती है, जिस भी इंटेंशन के ओके साथ आप वो हीलिंग्स दे रहे हैं, ओके 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 ठीक है? और मुझे कई लोगों ने बोला कि हलीम जो है वो उर्दू शब्द है, मुझे फोन आए हैं इसके ऊपर, ठीक है? हाँ देखिए, लैंग्वेज हाँ हीलिंग्स में, एनर्जीज में बैरियर नहीं होनी चाहिए, सही है सही है, हाँ और हलीम लिखो या हलीम लिखो, सही है वो। उसका मेन जो इंटेंशन है वो आपको अचीव करना है। वो फूड का नाम है एक्चुअली, वो हलीम तो एक्चुअली वो उर्दू में सही है गलत है सही वो, है उसको हलीम ही लिखना चाहिए, लेकिन वो हाँ स्पेलिंग है ना, इंग्लिश में थोड़ा इशू आ ही जाता है ना स्पेलिंग्स तो का, आई कोई जाए, सही है सही है सही है, हलीम बात नहीं। जैसे हम लोग मंत्रों को उच्चार करते हैं, अब काली माता का मंत्र जब हम लेते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चालू, इसमें हलीम आता है, तो ओके ओके ओके। प्रोनाउंसिएशन शब्द यही है लेकिन उसको प्रोनाउंस करना, आपका जो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, सही है जी, प्रोनाउंस प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो इट विल नॉट बेनिफिटेड इफ यू, इट विल मीट नॉट बी प्रोनाउंस प्रॉपरली। बस, है ना? लेकिन इसमें यहाँ पर एक मुझे बहुत अच्छी चीज ये लगती है इसमें, कि यहाँ पर जब आप इंटेंशन के साथ करते हो, अगर आपका प्योर इंटेंशन है, तो आप किसी भी शब्द को यूज करो, इंटेंशन काम करती है, शब्द सिर्फ बोलने के लिए है, समझने के लिए, समझाने के लिए होते हैं।
या दैट इज द थिंग, या है ना? ओके तो वो ओके इम्पोर्टेंट है। दो हाथ ओके। उठे हाँ हुए हैं। प्रमोद जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं? मैडम नमस्कार, मैं ये पूछना अच्छा चाहता नमस्ते। कि जैसे अटेंडमेंट मेरा मिस हो जाता है तो आप अटेंडमेंट कैसे देंगे? रिकॉर्डिंग से हमको लेना होगा या फिर आपसे फोन पे लेना पड़ेगा? अट्यूनमेंट मैं हर इंसान को पर्सनली देती हूँ। पर्सनली मैं वो ग्रुप अट्यूनमेंट्स में बिलीव ही नहीं करती हूँ, क्योंकि सबका सोल पर्पस अलग है, हर एक का सोल अलग तो मतलब कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको? है। वो आपको मैसेज आएगा ग्रुप में, आपको उसकी टेंशन नहीं करनी है, वो सारा मेरा लुकआउट है। क्योंकि है ना मैडम मेरे घर में शादी है 12 से 15 के बीच में, तो उस समय मेरी क्लासेस मिस हो गई इसके लिए। कोई बात नहीं, आप उसके बाद ले लेना। मैंने कहा ना, कोर्स जब खत्म होता है ना हमारा, उसके 10 से 15 दिन के अंदर मैं लिस्ट देती हूँ। मेरा एक, मैं आपको सिस्टम बता देती हूँ क्या है। मैं ग्रुप में लिस्ट देती हूँ, टाइम देती हूँ, डेट देती हूँ, आप अपना स्लॉट चूज कर लो, ठीक है? उस टाइम पर आपको क्या करना है वो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस, ऑडियो मैसेज जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो और बैठ जाओ। उस टाइम पर आपको अट्यूनमेंट मिल जाएगी, उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगी कि आपकी अट्यूनमेंट हो गई। अगर आपको कुछ फील हुआ है तो आप शेयर कीजिए, नहीं हुआ है तो फिर मे बी बाद में कभी फील होगा। क्योंकि जब अट्यूनमेंट दी जाती है, बेसिकली क्या होता है, अट्यूनमेंट्स होती क्या है? अट्यूनमेंट वो है कि आप जो प्रोसेस सीख रहे हो और जो एनर्जी चैनल हो रही है उसके साथ आप अट्यून हो रहे हो। ये एनर्जीज को आप यूज करने के लिए, मतलब एक तरह से प्रिपेयर होकर हो रहे हो, उसको अट्यूनमेंट कहा जाता है, राइट? मैडम मैं एक्चुअली हीलिंग विद लाइफ फोर्स आपका ज्वाइन किया हुआ है मैंने, तो इससे कितना डिफरेंट है ये? अच्छा नहीं, डिफरेंस है, काफी डिफरेंट है। लाइफ अच्छा फोर्स ओके इज ओके टोटली डिफरेंट। वो डायरेक्ट एनर्जी लेके आपको हील किया जाता है, ये सिंबल सिंबल्स के थ्रू हील किया जाता है, ओके डिफरेंट। ओके ओके लाइफ फोर्स में काफी चीजें हैं। ओके ओके ठीक वो कल ठीक है क्लास उसकी, साढ़े हाँ जी। 5 बजे। हाँ नहीं जी, सैटरडे को है ना मैडम? सैटरडे को है ना? सॉरी सैटरडे को सॉरी, है ना? हाँ जी हाँ जी मैं 2 दिन से वो थर्सडे फ्राइडे हाँ सैटरडे में ना थोड़ा सा जी कुछ चल हाँ रहा है मेरा। जी सही है ओके ठीक 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 है, हाँ मैम आप फीस में भी वही कंफ्यूजन हो रहा था आपको, उसकी फीस जो है वो यहाँ वो पे उसका मेरा अमाउंट कुछ कंफ्यूज कहीं हो रहा चल रहा था। है, इट मीन्स आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, कि मुझे अगर कुछ कंफ्यूजन्स हो रही हैं तो मुझे अपने आप को थोड़ा अलाइन करने की जरूरत है। हाँ नहीं नहीं ठीक देखिए, है मैम चीजें आप आती हैं ना सामने तो आपको पता है कि आपको कहाँ वर्क करना है। एग्जैक्टली नहीं तो मतलब आप वो जब अमाउंट बता रहे थे ना तभी मैं बार बार ऐसे कि वो एग्जैक्टली उस चीज का अमाउंट है, वो लाइफ फोर्स वाला अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे बता रहे थे। मे बी, क्योंकि अभी उसका होके चुका था तो मेरे दिमाग में शायद वही चीज यस थी। मैम वो अमाउंट रह गया आपके दिमाग में राइट। मैडम, हाँ जी बोलिए, मैम नाम बताएं पहले फिर बात करें प्लीज। मेरे बेटे का नाम गुंजन मिश्रा है, मेरा नाम मंजू मिश्रा है, ये अच्छा मंजू जी बोलिए। अकाउंट। हाँ मैडम, ये सिंबली होता क्या है मैडम? जी आप ओम बनाते हो, स्वास्तिक सत्या बनाते हो, बनाते हैं ना। स्वास्तिक बनाते हैं, वो क्या है? ये सिंबल्स ही तो होते हैं। अच्छा, ओम जो है वो यूनिवर्सल साउंड है, यूनिवर्सल एनर्जी है ना? 369 जो एक कोड है, जो जिसको हम गॉड्स कोड कहते हैं, भगवान का कोड कहा जाता है जिसको, 369, उससे बन के ओम बना है। स्वास्तिक जो है वो चक्र है आगे बढ़ने का, ग्रोथ का। कोई भी नई चीज आप करते हो, कुछ भी नया करते हो तो आप स्वास्तिक बनाते हो, बिकॉज इट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट। तो हर चीज सिंबॉलिक है, हम अच्छा कुछ भी करते हैं वो सब सिंबल्स के अकॉर्डिंगली होता है ना? यहाँ तो हम स्पिरिचुअली और इन चीजों की बात करें, आप ABCD लिखते हो, आ ई लिखते हो, वो क्या है? वो भी तो सिंबल्स ही अच्छा अच्छा है ना? अच्छा लाइनें ही है, तीन चार तरह की लाइनें होती है, उनको मिला के ये सब चीजें काम होती हैं। हॉरिजॉन्टल हो गई आपकी, वर्टिकल लाइन हो गई, हाफ कर्व्स हो गए, यही होते हैं और क्या होते हैं, इन्हीं को मिला के सारी चीजें बनती हैं, ठीक है? तो सब कुछ सिंबॉलिक है, लेकिन उसमें से किस सिंबल को या किस तरह की आकृति को हमको लेना है, उसमें हमें शक्तियां डालनी होती है और उसको यूज करना होता है। तो जैसे हम इसको बोलते हैं तंत्र मंत्र और यंत्र, जी
है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक यंत्र ले लिया ओम शेप जो लिया, उसके अंदर हमने साउंड डाला ओम, मंत्र डाल दिया, ठीक है। अब उसको हम जहां पर भी यूज करेंगे, जिस पर्पस से यूज करेंगे, जिस इंटेंशन से यूज करेंगे, वो हमारा तंत्र बन गया, ठीक है ना। तो हर चीज इसी के आसपास घूमती है। तंत्र मंत्र यंत्र सिंबोली हमारा यंत्र है। जी बिल्कुल, आपको एकदम क्लियर हो गया अभी। मंत्र हुआ, हम जो वर्ड को यूज करते हो, अरे मंत्र हुआ। जो भी मंत्र हम बात कर रहे हैं वो सारे मंत्र है ना, साउंड के थ्रू, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं, यंत्र सारे हो मंत्र गया, में आते हैं। हाँ जी, ये जो बोल रहे इसे रिकॉर्डिंग साउंडिंग से, ये यंत्र हो गया। ये और जो मंत्र हम हो गया। यंत्र हुआ ना मैडम, इसे यंत्र से ही तो हमारा बात आपसे हो रही है। तो यंत्र हुआ और मंत्र हुआ, जो हम चैटिंग हाँ करते हैं या बात बोलते हैं, वो मंत्र हो गया। और तंत्र हो गया, जो हमारा सिंबॉलिक है, ये हमारा तंत्र हो गया। थैंक बिल्कुल बिल्कुल। यू मैम। अब लोगों ने, सबने इसका वो अगर क्लिक कर लिया हो तो मैं स्टॉप कर दूं शेयर, इफ इट्स ओके। थैंक यू। हाँ जी, अब बोलिए। सभी स्क्रीन पे सब लोग मुझे एक साथ देख पा रहे हैं, बट अगर वीडियोस ऑन करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सही है। कुछ और बात करना चाहते हैं कुछ इसके ऊपर, या कुछ और कोर्सेज, या कुछ भी हीलिंग से रिलेटेड कोई भी आप लोग बात करना चाहते हैं तो फोरम ओपन है। पहले तो ये तो स्टार्ट कर ले, तो फिर हीलिंग वो सब आगे बातें चलती रहेगी ना। जो फर्स्ट है तो उसको फर्स्ट स्टेप ही पता करना चाहिए ना बिल्कुल मैडम। मैम बिल्कुल कीजिए। मैडम आप और क्या क्या सिखाते हैं? मैं बहुत कुछ लामा सिखाती फेरा हूँ। लामा फेरा है, हुंकारा विद हलीम है, फिर एनएलपी है, ग्राफोलॉजी है, सिग्नेचर एनालिसिस है, हैंड राइटिंग एनालिसिस है। अभी वो चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है, एक ही क्लास हुई है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। मैडम ये सब है क्या मैडम? मैम फेस रीडिंग रह गया, मैं मुद्रा खेल रहा हूँ रह गया। हाँ, मुद्रा अभी स्टार्ट हो रहा है, 6 तारीख को वेबिनार है, आप लोग सब आइए, उसमें भी ओपन वेबिनार होगा वो भी। जो बख्तामुखी का जो मंत्र है और जो आपका जो कोर्स है उसमें क्या डिफरेंस है? एक मिनट, मैं आपको समझ नहीं पा रही, आप दोबारा बोलोगे प्लीज? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बगलामुखी का जो 16 अक्षर का मंत्र है वो और जो आपका कोर्स है उसमें क्या डिफरेंस वो 16 अक्षर का मंत्र है, आपने खुद ही कहा है। और ये है बीज मंत्र, जिसमें सिर्फ एक शब्द होता है। बीज मंत्र का मतलब होता है एक शब्द होना। हमारे जैसे चक्रास में भी सब बीज मंत्रास होते हैं, तो उनके लिए भी सिर्फ एक एक शब्द होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी ओम सूर्याय नमः लेते हैं या ओम नमः शिवाय लेते हैं हम, तो ये हमारा पूरा अक्षरी मंत्र हो गया, ठीक है। इफेक्टिव बिल्कुल, बीज मंत्र तो मेन होता है। मंत्र के बीच में अगर बीज मंत्र का एक शब्द भी आ जाता है तो मोटा एक्टिवेट हो गया। अब ये समझ लीजिए, हाथी। प्रमोद जी आप तो हम निश्चिंत होके ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा। मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे 1.5 महीना हो गया और मेरी जो हीलिंग पावर बढ़ गई है। और जो मैं मतलब बीमार हो रही थी या मुझे कोई कट भी लगता है, तो वो दो एक ही मिनट सेकंड में मतलब रिलीफ हो जाता है, मुझे जल्दी हीलिंग होने लग गई है। मतलब बहुत इफेक्टिव है ये भी। और मैं मेरा जरूर भी कर ही हीलिंग लिया। कर ही रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर ही रहा हूँ। हाँ जी, तो मैं आइए इसलिए आइए, आपको बता जरूर रही आइए। हूँ। मैम मैंने ऋतु जी मैं से कुछ बोल लिंक भी सकती लिया हूँ? है। एक मिनट, मीना जी शायद कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा था, अभी सब चुप हो गए एकदम। श्रद्धा कुछ कहना नहीं, चाहती है? आप बोलिए श्रद्धा जी पहले। बोलू मैम?
हाँ हाँ मैम ये बोलिए जो ना। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, बस उनको कि ये मैंने मैम से ये कोर्स अक्टूबर के टाइम पे किया था आपके जैसा है, बिल्कुल मेरे लिए तो ये वर्ड भी एकदम नया था, हुमकारा विथली हिम। बट जैसे पहली क्लास दूसरी क्लास उसके बाद मैम ने जिस दुनिया में अभी लेके गए हैं, मैम आपको जितना थैंक यू बोलू कम है। जो हर चीज को डील करने की एक अलग ही ताकत, ऐसे हर वक्त लगता है कि जैसे अब काली माँ साथ है। एंड मैम का सिखाना, जैसे अभी भी ग्रुप है, मैम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। अभी हम रिपीट कर रहे हैं उस कोर्स को, बट ये कोर्स ने अभी तक मैम जितनी भी मोडालिटी सीखी थी, बट ये हीलिंग वाला चीज बिल्कुल नया था, कुछ भी नहीं पता। जैसे अभी इन्होंने नाम बताया, इट वॉज सेम फॉर मी कि मैंने नाम भी पहली बार सुना था, पर आज वो काली माता का नाम सुन के भी जो प्यार और जो सिक्योरिटी फील होती है, इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू मैम सो मच आप इस चीज से हमको जुड़ाने के लिए। यस थैंक मैम, यू थैंक थैंक यू यू मैम। थैंक यू। मैम मैं श्रद्धा जी से बिल्कुल सहमत हूँ। काली माता से इन जनरल लोगों को डर लगता है, उनको देखने में डर लगता है ना? लेकिन जब आप ये मोडेलिटी कर लोगे ना, तो जैसे अभी श्रद्धा ने बोला, लिटरली यू विल स्टार्ट लविंग हर। मतलब आपको उनका आपको मन करेगा उनको देखने का, इतना मजा आता है जब वो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको आत्मसात करते हैं ना, इट इज अलग ही लेवल है वो। मैम और मैं मुझे एक बात और बतानी थी। 1 मिनट, मैंने जितनी बार भी ये, कितनी बार करा चुकी हूं मैं ये, लेकिन जब भी वो पार्ट आता है, अभी भी, अभी देखिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ उसी बारे में, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। इट्स सो ओवरवेल्ड, सो ओवरवेल्ड। हाँ ऋतु बोलिए। अच्छा धुनु का मैम भी मैंने है। ये बताना था मैम, जब मैंने ये नहीं किया था हम कार्यालय, तो मैम मुझे अंधेरे से अननोन फीवर फियर था, तो मैम वो मुझे किसी चीज बताया से डर था। नहीं लगता मैम, जब से मैंने हुंकारा विलीन किया। मतलब मैं कहीं भी यानी जा सकती हूँ, हाँ हाँ अंधेरा हो जरूर कुछ भी रणनीति, हो, कोई बात तो इतना मुझे मैम मतलब वो मिला है इससे कि मैं डर से बाहर हो गई हूँ बिल्कुल मैम। तो यही सबको नहीं। बताया कि बहुत अच्छा है ये, और मैम जिस तरह से सिखाती है, मैम का तो सिखाने का तरीका ही बस अलग है, तो आप सब बहुत अच्छे सीख सकते हो। आप लोगों को किसी को कनेक्ट करना है, आप नंबर ले सकते हो मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9594210446। वैसे जिस ग्रुप को आपने ज्वाइन किया है उसमें भी मेरा नंबर है, एकेडमी का नंबर है। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो आप एकेडमी को भी बोल सकते हो, वहां से भी आपको मेरे से कनेक्ट करवा देंगे। नंबर दे दिया जाता है क्योंकि इट इज, एक मिनट, सेंटर इट, मेरा नंबर आ गया होगा, देखिए। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो, कुछ भी है अगर आपको किसी भी तरह की हुंकारा विथालीन की क्लैरिटी चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद, नो इश्यूज, ठीक है ना? हाँ धुनु अब आप बोलिए, अब आपको मिल गया चांस। मुझे तो आप बहुत सुंदर लग रही हो मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक्सेप्टेड ग्रेटिट्यूड। इसके जो मैम चार्जेस हैं वो अभी 2685 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, और 2107 है जो हमारे ऑलरेडी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। हाँ जी अब बोलिए। मैं आपको देखने के लिए मैसेज ही ज्वाइन आ रहे किया तो मुझे मैम। आंसर करना पड़ता है, सॉरी बताएं। आप सोमा जी आप मुझे अपना वो दीजिए, एक मिनट। एक सेकेंड दीजिए। हाँ आप मुझे अपना नंबर दीजिए, 629, एक मिनट, 6291 चला गया, एक सेकेंड। मैं एकेडमी को फॉरवर्ड कर देती हूँ आपका नंबर, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? 6291 2594 64। आपका नाम शोमा है राइट? सोमा साहा, ओके, सोमा साहा। और आई प्रिफर, मैं एकेडमी को बोलती हूँ
कि अकाउंट डिटेल्स जो भी हैं वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, वहां पर भी डाल देंगे, ठीक है? बट ये काम आई थिंक सो कल मॉर्निंग में होगा, या अगर हो सकेगा तो हम आज ही कर देंगे, नहीं तो कल मॉर्निंग में आपको ये मिल जाएगा 10-11 बजे तक सब डिटेलिंग। ओके हाँ जी, और बोले एनी मोर क्वेश्चंस या कुछ भी आप लोग बात करना चाहते हैं तो बताइए। मैं तो सिर्फ आपको देखना ही थी मैम। थैंक यू, थैंक यू, एक्सेप्टेड। तो मैम ये चीज भी मैं सबको बोलती हूँ, अगर आपकी कोई तारीफ करे ना तो ऐसे नहीं बोलना, नहीं नहीं अरे क्या, अरे आपके कुछ तो आपका ऑरा दिखा रहा है ना सामने वाले को, तो एक्सेप्ट कीजिए। मैम, इसमें बहुत अच्छी चीज ये होती है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, जहां हम रिजेक्शन रिजेक्शन मोड में रहते हैं ना इन जनरल, तो वहां आपका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता। हाँ जी हम बोलिए दोनों ऋतु जी मैम, और मैं हिंदी में हमेशा कैसे साथ साथ बोलेंगे? करते हेलो हैं। हाँ? यदि हेलो हिंदी में मैम, बोलना तो कैसे बोलेंगे? क्या से अभी आप वो बोले कि मैम आप सुंदर लग मुझे रही हैं, तो आप बोली नहीं उनको, तो करना है वो मैम, कैसे मुझे बोलेंगे हिंदी नहीं में? करना। मैं उसको मतलब क्या बोलेंगे इसको, मैं स्वीकार एक्सेप्ट करती हूँ कर रही, हाँ स्वीकार कर रही हूँ ऐसे। मैम, मुझे भी एक अर्जेंट बात बोलना है, मुझे लीव करना है अभी, हाँ और हाँ बोलिए ना। मेरा एक लाल किताब का क्लास चल रहा है, ये सेम टाइम, मतलब सेम टाइम नहीं, सेम डे 6 बजे से हो रहा है, हाँ जी तो अभी 10 क्लास है, एक क्लास सिर्फ हुआ है, अभी भी चल रहा है, आज भी स्टार्ट हुआ है, मतलब सेकंड डे है, तो इसीलिए बोल रही थी टाइम थोड़ा आगे पीछे या डे चेंज हो सकता है क्या? आपका ट्यूसडे और थर्सडे ही है क्या? हाँ, आज है, पिछले ट्यूजडे से स्टार्ट हुआ है, आज सेकंड डे है, थर्सडे लाल किताब, लाल किताब का 10 दिन का क्लास है, आज सेकंड डे है। अच्छा तो मुझे देखिए ये आपको थोड़ा सा एकेडमी पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ये जो टाइमिंग्स है ना, ये हम फैकल्टीज को अलॉटेड होते हैं, तो जी, मेरे जो टाइम है वो अलॉटेड है मुझे 5:30 बजे का, तो मेरे सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट 5:30 बजे ही होते हैं। एक डे चेंज डे नहीं हो सकता डे? भी अलॉटेड है, वेडनेसडे किसी और का है, मंडे और है, क्योंकि कोर्सेज अच्छा है ना हमारे पास, अलग अलग फैकल्टीज हैं, अलग अलग कोर्सेज कराते हैं, तो सबके अपने अलॉटेड डेट्स हैं। जी, वो क्लास 6 से 8 है, 6 to 8, आपकी क्लास में हूँ इसीलिए उस क्लास में अभी नहीं गई, अच्छा लग रहा था सुनने में, इसीलिए आपकी क्लास में बैठी हूँ अभी नहीं, आप तक। अटेंड कर लीजिए, आपने ऑलरेडी वो किया हुआ है तो कोई बात हाँ नहीं है। यहाँ की तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी सबकी मिल ही जाएंगी, और ग्रुप में अगर आप हो तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैम, फेस टू फेस मतलब क्लास है, लाइव क्लास करने में हाँ, मजा आता उसका है, अलग मतलब मजा है। नहीं, रिकॉर्डिंग। आई हाँ अग्री, आई टोटली अग्री, उसका एक अलग मजा होता है। हाँ हाँ इसीलिए कुछ नहीं कर सकते मैम, प्लीज टाइमिंग्स थोड़ा आगे है कीजिए ना, प्लीज 5 बजे कीजिए, फिर भी 1 घंटा तो क्लास कर पाऊंगी फिर आपका अभी क्लास। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो जॉब भी करते होंगे, अब वो ये मुझे बोलेंगे कि आप 6 बजे के बाद ही क्लास लो, क्योंकि हम 6 बजे तक घर आ जाते हैं, मेरे पास आते हैं ऐसे भी तो हाँ तो देखिए अच्छा है ना, वो 8 बजे नहीं क्लास होता लीजिए, ना, मैं आपको 8 बजे वही कह रही हूँ, वो लीजिए चीज़ें एडजस्ट नहीं होती, वो एडजस्ट नहीं हो मैम, पाती। नहीं जो ऑफिस में है 5:30 बजे, 5 बजे सेम ही होगा उनके लिए। नहीं फर्क पड़ता है जी, देखिए सबका ही, और 8 बजे है तो 8 बजे किसी और का स्लॉट है, हमारे यहाँ 11 बजे तक चलता रहता है कंटिन्यूअस, तो अलग अलग फैकल्टीज के अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं। तो मैं ज्वाइन करूंगी तो आधा क्लास को करके छोड़ना होगा फिर। देखिए एकेडमी में बात करके देखिए, और बाकी सबका अगर होता है, मुझे 5 बजे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लोग इफ एवरीवन इज ओके जो भी ज्वाइन कर रहे हैं 5 बजे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकेडमी में बात कर लीजिए। जी, मेरा नंबर तो छोड़ दिया, अगर वहां से कॉल आ मैंने रहा है छोड़ तो मैं दिया, बोलूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी जरूर। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, जी है ना, जी मैम, इट्स मैं लीव ऑलवेज गुड। करी, जी हाँ जी, मैम मैं ओके लीव करी, बाय मैम, थैंक यू मैम, नमस्ते। ओके, आत्मा नमस्ते, नमस्ते जी। हाँ जी श्रद्धा जी, आपका हाथ ऊंचा है, कुछ कहना चाहती हैं? नहीं नहीं जी मैम, वो बात बात हो गई थी। अच्छा, ओके। दोनों आपकी बात अधूरी रह गई थी, अब बोलिए। नहीं वही, मैं आपको देखने आई थी मैम, और हम दोनों, मैं और ऋतु हमेशा बात करते हैं, डेली आपका नाम लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू।
वही आज बोला कि आज सुनकर आप चल इनका वो है ओपन गोविंदा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी देखने के लिए आ जाती हूँ। आइए आइए जरूर, थैंक यू। हाँ ओके और बताएं किसी को और कुछ इस बारे में बात करनी है या कुछ और बात करनी है तो वी कैन। क्योंकि ये आपको पूरा YouTube पे गुरुजी ज्ञान ऐप के ऊपर YouTube पे मिल जाएगा पूरा रिकॉर्डिंग इसका, जो भी आज हमारी बातें हुई हैं इसकी सारी डिटेलिंग आपको वहां मिल जाएगी। एंड आई एम सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दैट कंफ्यूजन, क्योंकि मैं अभी भी वो लास्ट जो वेबिनार हुआ था उसके ऊपर ही ध्यान था मेरा, तो वही मैंने यहाँ पर रिपीट किया। ठीक है, हाँ मैडम, एक पूछना था कि आप अटूनमेंट भी सिखाएंगे क्या? आपको जब मैं कंप्लीट कोर्स सिखा दूंगी उसके बाद जब आपको पीडीएफ मिलेगा उसके बाद आपके पास कंप्लीट थिंग आ जाएगी, आप दूसरों को भी सिखा सकते हो, वो लेवल का आपको ट्रेन किया जाता है। ठीक ओके थैंक यू मैडम। ओके लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप इमिजिएटली सीखो और सिखाना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप इस चीज को अपने अंदर नहीं ले लेते हो तो प्रेफर कीजिए कि पहले उसको अपने ऊपर हीलिंग दो आसपास, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना कि डिफरेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, है ना। ये नहीं है कि हमने सीखा है और हमें कमाना है, इस पर्पज से अगर आप सीखोगे ना तो वो शॉर्ट टर्म होता है। ये आज हम लोग कहीं एक किसी एक उसमें चल रहा था, मीटिंग चल रही थी मेरी, उसमें हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। क्या होता है जनरली कुछ मोडेलिटीज हम सीखते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, हमारे बैक ऑफ द माइंड में होता है कि अगर हम ये सीख लेंगे तो इससे हम पैसा कमा लेंगे, नहीं, है ना। कमाना ऐसा नहीं, मेरे नहीं मैं एक आपके मिनट, ऊपर नहीं कह रही हूँ, डोंट डोंट नहीं माइंड इट, मैं एक नहीं जनरल बात नहीं आपको बता रही हूँ। मुझे क्या है, मेरे भाई के दो लड़के हैं ना, वो सीए कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से मैं बोल रहे थे। ओके तो 1 महीने बाद आप कर देना उनका, ये सीख लो उसके बाद करो ओके ना, कोई नहीं रोक रहा आपको। अंजू ओके जी, लामा फेरा की प्रिक्वेस्टी नहीं है इसके अंदर, लेकिन लामा फेरा भी एक लेवल्स हैं जो डॉक्टर सैनी ने जो जितने भी मोडेलिटीज बनाई हैं, लामा फेरा है, ओंकारा है, योग माया है, देन शाल्विक है, ग्रैंड मास्टर शिप है, ट्रिनिटी है, ये जितनी भी हैं इनके कुछ ये कुछ 5-6 स्टेप्स में चलता है। तो बहुत लोग तो लामा फेरा से ही स्टार्ट करते हैं इन जनरल, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप पहले हुंकारा करके फिर लामा फेरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैडम हाँ जी बोलिए। मैम, स्टार्टिंग किससे करना है? आप सिखा जो अभी क्लास जो ज्वाइनिंग कराओगे मैडम, वो स्टार्ट जैसे कौन किस चीज से, जो अभी जो बता रहे थे 10 महाविद्या, उससे स्टार्ट करा रहे हो कि लामा से, किससे, क्या स्टार्टिंग क्या कहाँ से होगा? यहाँ पर हुमकारा विद हलीम का ही जो है वही कोर्स रहेगा, जिसमें 10 महादेवियों में से जो 2 महादेवियां हैं उनके ऊपर सारी पूरा ये मोडेलिटी बेस्ड है, वही सिखाया अच्छा जाए। ठीक जी, उसके है, बाद तो फिर आगे का कोर्स रहता है कि ये अलग, इसका सब्जेक्ट अलग है कि साइंस से जो डिग्री लेना चाहते हैं साइंस से लेते हैं, कोई हिंदी से लेना चाहता है, कोई मैथ से लेना चाहता है, तो ये सब्जेक्ट बस अलग अलग सब्जेक्ट है। अल्टीमेटली तो आपको 12th पास कराना है। थैंक यू मैडम, ठीक आप जानो और मेरी राधा रानी जाने क्या पास करवाएगी क्या फेल करवाएगी, कोशिश है, तो है। देखिए एक बात मैं आपको और बताती हूँ, यहाँ देखिए करोड़ों लोग हैं दुनिया में, ठीक है, जी लेकिन जी जिसको गाइडेंस आती है वही आता है, जी ठीक है ना। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, अगर मैं भी किसी वेबिनार में या किसी उसमें क्लास में चली जाती हूँ बाय चांस, तो मैं ये सोचती हूँ कि एनर्जीज मुझे गाइड कर रही है यहाँ आने के लिए, तो जितना जी हो सकता है वहां से ले लो, जी वही ठीक है ना। मैं सोच रही, जी वही मैं सोच रही, मेरा क्या पर्पस है कि जिस प्रॉब्लम से, जिस सिचुएशन से, ब्लैक मैजिक ये सब से मैं निकली हूँ ना, जितना मैं भटकी हुई हूँ और मेरे कन्हैया पे ट्रस्ट करके वृंदावन से अपने को हर टूटते टूटते से वो संभालते संभालते, तो मैं चाहती हूँ कि उस चीज को मैं मेरा इन्वर्ट से ये कनेक्ट करने कि मैं क्या कर सकती हूँ, और उस चीज के लिए मेरा जो प्रॉब्लम मैं क्रिएट की अगले को क्रिएट ना करना चाहिए, हमारे वजह से किसी का
कुछ नहीं है, एक बार आपने सरेंडर कर दिया एनर्जीज के आगे, फिर वो एनर्जीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है संभालना सब चीजों को, है मैम मैं कुछ बोलूं? ना? हाँ बोलिए धुनु जी, आपके तो आपके बिना बोले तो सेशन पूरा कैसे होगा बताइए, बहुत सारा भरा हुआ है, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे लग रहा है अभी मतलब मैम के लिए, गुंजन मैम के लिए शायद आपके साथ देवी माँ आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है, इसलिए आपको ये मॉडलिटी मिला और मैम के थ्रू से आपको ये मिल रही है और मैम बहुत अच्छी तरह से आपको अलाइन कराएगी। यही है, मैंने लिया है मैम से, सीखा है लामा फेरा, बहुत सीखा है, कुछ कुछ क्लास में मैंने कंटिन्यू नहीं किया है, लेकिन मतलब गुरु जी ज्ञान में मैम मेरा पहला वो है, गुरु है, और उसके बाद भी है, लेकिन मैम तो मैम ही है मेरे लिए, वो थैंक इतना ही। और आपके लिए भी यू, बहुत कुछ अलाइन होने वाली है, इसलिए आप आई है मैम की क्लास में। मेरी भी पहले गुरु मैम है, मैम के साथ जुड़ी हूँ, उसके बाद धीरे धीरे गुरु जी ज्ञान में और कोर्सेज में जुड़ गई, लेकिन पहले मैम है और मैम के साथ ही है, अभी भी मैम के साथ जुड़े हुए हैं डेली। अभी भी जुड़े हैं। मैम का ऐसा है कि मैम को छोड़ने का मन ही नहीं करता हम लोगों का, कि मैम के साथ ही रहे हम जाने हाँ के अंजू बहुत जी, अच्छा। लामा फेरा तो अभी खत्म ही हुआ है, लास्ट वीक ही खत्म हुआ है, उसके बाद हुंकारा भी स्टार्ट किया है हमने, अब लामा फेरा और एक दो एक महीने बाद ही आएगा, एकदम इमिडिएटली नहीं आएगा, उसके मैम है ना? चार्जेस क्या होंगे लामा फेरा अब आप एकेडमी से ही पूछिए, क्योंकि आज मेरा कंफ्यूजिंग डे है, मैं फिर कुछ बोल के? दूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आज थोड़ा सा पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, फॉगिंग हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ओके मैम। है ना? आप एकेडमी के नंबर्स हैं, आप वहां से सारी डिटेल्स ले नहीं लीजिए। वैसे आइडिया, थोड़ा मुझे आइडिया चाहिए था, और कोई नहीं, दो रेट तो महीने का चलो कोर्स होता है, दो लेवल्स होते हैं इसमें, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आप मास्टर हीलर बन जाते हो, और सेकंड आगे। लेवल करने के बाद आप दूसरों को सिखा सकते हो, क्योंकि वो टीचर लेवल हो जाता है, ठीक है? तो आप दूसरों को सिखा भी सकते हो, जिस तरह से हम आपको अट्यून करते हैं उस तरह से आप लोगों को अट्यून कर सकते हो। हाँ जी मैम, डिस्टेंस हीलिंग आता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ब्लैक मैजिक रिमूवल है, एंटिटीज अच्छा का है, ये सब चीजें आती हैं उसमें, चक्रास, ठीक है। ऑरास, थोड़ा क्रिस्टल्स, बहुत सारी चीजें। एप्रोक्सीमेटली क्या होगा उसका, थोड़ा आइडिया? कोई बात नहीं, जितना होगा आगे। ठीक हाँ, जो भी है वो आप आई से, और वहाँ उसमें हमारे किट होती है, लामा फेरा किट होती है, वो लेनी होती है, हीलिंग्स करनी है तो उसमें किट जरूरी होती है। ठीक है मैडम, ओके। मैडम हाँ मुझे खुद का हीलिंग करवाना, मेरे अंदर क्या निगेटिविटी है, ये है क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद तो जान लूं, मेरा कोई आप बताओगे तो मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरा क्या चीज, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्रिएट करना है। सर मुझे, मैं खुद उस चीज का डॉक्टर पेशेंट बन के आपके पास आई, मैं खुद का इलाज चाहती हूँ, उसके बाद तो मैं पेशेंट्स नहीं, सीखूंगी ही। वर्ड्स वर्ड्स, प्लीज 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 अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। पेशेंट क्यों हो आप? क्या है पेशेंट? डॉक्टर ने आपको बनाया, मैंने नहीं। ना एनर्जीज बनाती हैं, एनर्जी हम सबको इंसान बनाती हैं, अरे मैम हम किसी ना नमस्कार, किसी डिस्कम्फर्ट के थ्रू घूम रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस आप हटा दोगे तो आप नॉर्मल हो, पेशेंट नहीं कोई नहीं होता है। सिर्फ स्वपन जी आप बोलिए, पेशेंट। फिर मैं अनु जी से बात करूंगी, क्योंकि वो दो तीन बार बोल चुकी हैं। स्वपन जी आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, अनु जी बोलिए, यस बहुत मैम, देर से मेरा वेट कर गला खराब था रहे इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही थी। नमस्कार कोई मैम, बात नहीं, मैं सेम मेरी यहाँ। वाकई में फेवरेट है, और मैंने लामा फेरा की ग्रैंड मास्टरशिप का मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो आएगा, कब आएगा। आएगा और मैं इसको भी आएगा, ज्वाइन करना चाहती हूँ, बट लग रहा है रिकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा, क्योंकि टाइमिंग थोड़े से क्लासेस क्लैश कर रहे हैं। बट कोई नहीं, मैं ओके okay. रिकॉर्डिंग से भी कर लूंगी, और मैम के साथ भी अगेन जब रिपीटेशन होगा तब जुड़ जाऊंगी। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, मुझे कोई एक चीज दिक्कत पूछनी थी मैम, कि ये जो है हुंकारा विद हलीम, इसका नाम ये क्यों रखा है? बगला मुखी या काली माँ रख देते, मतलब हुंकारा क्यों रखा और हलीम से क्या कनेक्शन है इनका? देखिए, हलीम इज लीम, ओम लीम, एम यस, रीम क्लीम, ओम ओके एम ओके ओके रीम रीम ओके नीम। ओके, वो हलीम, अच्छा, ठीक है, हाँ, मैं समझी कोई नेम है ये हलीम, ऐसे बोलते हैं ना, तो तो मैं ये वही समझ। बीज मंत्रास हैं, ओके ओके, गॉट जैसे ओम एक बीज इट, मंत्रा होता है, उसी तरह यस से हुंकारा जो है वो काली ओके माता का बीज मंत्रा है, क्लीम जो है वो बगलामुखी माता का बीज मंत्रा है।
तो ओके ओके नाम इस तरह से दिया गया क्योंकि अभी क्या होता है ना, अगर आपको ये बोला जाए काली माता और बगलामुखी माता की है तो आधे से ज्यादा गायब हो जाएंगे, अरे ये तो तंत्र मंत्र वाला काम हो गया, हाँ बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल सही हमारा कह रहे हैं माइंडसेट वैसा बना हुआ है आप। जी, ठीक ना। प्रॉब्लम है मैम। हाँ जी, हाँ जी, समझ गई ये मैम। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, थैंक आपको देख के बहुत, हाँ या गुड टू सी यू, थैंक यू। यू, सेम इन सेम। मैम एक बात पूछना है। हाँ बोलिए स्वपन जी, आपकी ना वो लिस्ट मैंने पढ़ी है उसका मैं जवाब आपको ग्रुप में दूंगी, यहाँ कुछ और पूछिएगा। हाँ बोलिए, आप बार बार ना म्यूट हो जाते हो। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। मेरा स्टूडेंट अटोनमेंट किससे लेगा, मुझसे ना आपसे? आपका स्टूडेंट आपसे लेगा, आप उसके गुरु होगे ना। ना तो मुझे तो अटोनमेंट देने का प्रोसीड्यूर तो पता नहीं है, आप सिखाए नहीं ना? अभी कहाँ सिखाया आपको, पीडीएफ मिला किधर है? ओ अच्छा, वो पीडीएफ मिलने के पीछे। आपको सब आ जाएगा उसके अंदर, मैंने सब डिटेल डाला हुआ है, डोंट वरी, ओ तब ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। है ना। इसमें भी हुंकारा में भी जो है उसमें भी आप लोगों को हाँ वो मिल जाएगा, तो उसके बाद आप इसका भी अटूनमेंट कर सकोगे। ठीक 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 है, ओके ओके तो आज हमारी एक्चुअल में क्लास यहीं पर होती है, आज का वेबिनार यहीं तक है।